हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। दोस्तों, आप लोगों को एसिडिटी बनती है या फिर गैस बनती है तो आप लोगों को मेडिकल स्टोर वाला या फिर डॉक्टर गैस का कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। अब गैस के कैप्सूल दो तीन तरह के ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि रेबीप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल। यह कैप्सूल आपको डॉक्टर सुबह खाली पेट खाने को बोलता है, जिससे आपको दिन भर गैस नहीं बनेगी। ये कैप्सूल काफ़ी समय तक रेगुलर चलते रहते हैं, जिससे कि व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यह कैप्सूल की कॉस्ट लगभग 12 से 13 रुपए की एक कैप्सूल की कॉस्ट पड़ती है। अब वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों कैप्सूल गैस के कैप्सूल है। ये रेबीमैक DFR कैप्सूल है, ये रेबेलकम DFR कैप्सूल है। दोनों कैप्सूलों में रेबीप्रोजोल डोमपेरिडोन फार्मूला पड़ा हुआ है। दोनों कैप्सूल गैस के हैं। दोनों कैप्सूल सुबह खाली पेट खाए जाते हैं। ये कैप्सूल 12 से 13 रुपए का आपको मार्केट में मिलेगा। वहीं ये रेबेलकम DFR कैप्सूल एल्केम कंपनी का जेनरिक कैप्सूल है, तो ये कैप्सूल आपको मार्केट में 304 रुपए का मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों है, तो उसके ऊपर मैंने अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। उसमें पूरा डिटेल में बताया कि जेनरिक मेडिसिन प्रॉपर वर्क करती है कि नहीं, जेनरिक मेडिसिन हमको यूज करनी चाहिए कि नहीं, जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों मिलती है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर आप गैस का कोई कैप्सूल यूज कर रहे हैं, जैसे कि रेबीप्रोजोल डोमपेरिडोन या फिर पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन या फिर रेबीप्रोजोल प्लेन या फिर पेंटाप्रोजोल प्लेन, इस तरह की कोई भी टैबलेट अगर आप यूज करते हैं, तो आप उसकी जेनरिक डिवीजन की कैप्सूल ले लें या फिर टैबलेट ले लें और आप उसको खाएँ। जैसे कि जेनरिक डिवीजन में रेबेलकम DFR, आर्जोल DFR और भी कई नामों से मिल जाती है। ये कैप्सूल आपको 3 से 4 रुपए का पड़ेगा। वहीं पेटेंट या फिर कोई मोनोपोली टैबलेट आपको 13 से 14 रुपए की, 12 रुपए की एक टैबलेट या एक कैप्सूल पड़ेगा। तो ध्यान रखें, आप जेनरिक डिवीजन का कैप्सूल ले लें। ये सेम वर्क करता है, सेम कंपनी है। यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यह मैंने सिर्फ आपके दवाइयों पर हो रहे खर्च को बचाने के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि गैस के कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा लोग यूज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसी को देखकर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको जेनरिक कैप्सूल मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित रहेगा और आपका काफ़ी ज़्यादा खर्च भी बचेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, आप हमको वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।